हेलो एवरीवन आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो है सी यू एट पी का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं पी जी क्यू पी फोर्टी जो कि अब 2023 में इस पेपर कोड का सिर्फ नाम चेंज हो गया यानी अब ये पेपर कोड हो गया है सी ओ क्यू पी ठीक है पार्ट वन में जो है हमने इसके आधे से ज्यादा क्वेश्चंस कवर कर लिए थे आधे क्वेश्चंस हम कवर कर चुके थे इसके बाद के क्वेश्चन जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं तो पहला पार्ट वन आप जो है चैनल से देख सकते हैं प्लेलिस्ट में क्वेश्चन पेपर अपलोड है वहां से आपको देखने को मिल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमने जो है पार्ट वन में कवर करे हैं तो आगे के क्वेश्चन जो है अब हम इस पार्ट में करने वाले हैं ठीक है तो यहाँ तक के हमने क्वेश्चंस कवर कर लिए थे इस क्वेश्चन आईडी तक ठीक है? थीके? ये हम कर चुके थे अब हम हम स्टार्ट करते हैं, हैं, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन क्वेश्चन, जो जो वो इस इस पार्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। सबसे पहले, नेक्स्ट को फर्स्ट इसका, इस पार्ट का. The king died. तो इसका, इसका, का, तो इसमें इसमें करेक्ट क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर टू ट्रू और करेक्ट इज नोन एज तो हाइपोथेसिस तो ऑप्शन नंबर जो है वन स्काइस में करेक्ट ऑप्शन है नेक्स्ट देख लेते हैं इनर रिसर्च रिपोर्ट वट डज द रिजल्ट सेक्शन हाईलाइट तो आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट तो ऑप्शन नंबर जो है वन स्काइस में करेक्ट ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इन रिसर्च द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स डिनोट तो दी वेरिएबल बींग ऑपरेटेड और वेरिड इन समे बाई दिस तो ऑप्शन नंबर जो है फोर इसका इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ दॉट अ चीफ ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन तो ऑप्शन नंबर जो है वन इसका इसमें करेक्ट ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु वॉज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया तो ऑप्शन नंबर फोर ठीक है इसका करेक्ट ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका क्या करेक्ट ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैथड यूज बाई मैनी सर्च इंजन लाइक गूगल्स लिंकेंड और इवन फेसबुक फॉर सर्चिंग डाटा बेस तो बलेंट मैथड ऑप्शन नंबर जो है वन इसका इसमें करेक्ट ऑप्शंस है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डी ओ ए जी ए जे इज अ वेबसाइट दैट लिस्ट ओपन एसेस जनरल एंड इज बाय इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस फॉर ओपन एस एस डी ओ ए जी स्टैंड फॉर द डायरेक्टरी ऑफ ओपन एसेस जनरल तो ऑप्शन नंबर जो है फोर इसका इसमें करेक्ट ऑप्शन है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आई एस बी एन स्टैंड फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर ऑप्शन नंबर जो है थ्री इसका इसमें करेक्ट ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अ वेन डायग्राम इज अ पिक्टोरियल इलास्ट्रेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन एंड अमंग सेट्स रिजल्ट और ऑब्जेक्ट्स हु हैज डेवलप्ड वेन डायग्राम तो वेन डायग्राम किसने डेवलप किया जॉन वेन तो ऑप्शन नंबर जो है फोर इसका इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट सोर्स टू फाइंड द कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग तो तीनों ऑप्शन सही है तो यानी ऑल ऑफ दीज यानी ऑप्शन नंबर जो है फोर इसका इसमें करेक्ट ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आई एस एस एन कंसिस्ट ऑफ तो इसका करेक्ट ऑप्शन से ऑप्शन नंबर जो है थ्री इसका इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन से ठीक है थीके? हर क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है अच्छे से जो है करके जाना है कोई भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बुक्स लॉस्ट फ्रॉम दी लाइब्रेरी आर नोन थ्रू स्टॉक वेरिफिकेशन, तो ऑप्शन नंबर जो है वन इसका इसमें करेक्ट ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट सोर्स टू फाइंड आउट डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन तो एनसाइक्लोपीडिया ऑप्शन नंबर जो है फोर इसका इसमें करेक्ट ऑप्शन है नेक्स्ट देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोविंग इज दार्ट ऑफ द ग्रे लिटरेचर टू न्यूज लेटर्स एंड बुलेटिन ऑप्शन नंबर वन इसका इसमें करेक्ट ऑप्शन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू फंडामेंटल ऑफ लर्निंग तो ऑप्शन नंबर जो है वन इसका इसमें करेक्ट ऑप्शन है नेक्स्ट देख लेते हैं बाइनरी सिस्टम ऑफ नंबर यूजेस ओनली जीरो एंड वन तो ऑप्शन नंबर जो है सेकंड इसका इसमें करेक्ट ऑप्शन है वट इज़ द टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन यू फाउंड इन क्लास रूम तो स्पोकन एंड रिटर्न तो ऑप्शन नंबर थ्री इसका इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन है स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट इज इकोलॉजी ऑप्शन नंबर जो है थ्री इसका इसमें करेक्ट ऑप्शन है नेक्स्ट देख लेते हैं नॉइस लेवल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ तो डेसिबल्स तो ऑप्शन नंबर जो है फोर इसका इसमें करेक्ट ऑप्शन है नेक्स्ट देख लेते हैं एटीट्यूड्स कैन बी मेजर्ड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोविंग स्केल्स तो लिकट स्केल ऑप्शन नंबर जो है वन इसका इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन है नेक्स्ट देख लेते हैं आइडेंटिफाइ सिनोनिम्स फॉर पॉपुलर कल्चर विच इज बेज ऑन दी टेस्ट ऑफ ऑर्डनरी पीपल रैदर दैन एजुकेटेड लाइट तो इसका हमारा जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर वन मास कल्चर नेक्स्ट देख लेते हैं पल फॉर्म थ्रू वेब बेस इंटरक्शन इंटरक्शन इज तो इसका इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकेंड वर्चुअल कम्युनिटी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एन एरर इन कंप्यूटर प्रोग्राम इज तो बग ऑप्शन नंबर जो है थ्री इसका इसमें करेक्ट ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फॉलोविंग इज अ सर्च इंजन तो इसमें सर्च इंजन कौन सा है वो है गूगल तो ऑप्शन नंबर सेकेंड स्का करेक्ट ऑप्शन है नेक्स्ट देख लेते हैं रूसा कैटर्स दीड्स ऑफ द हायर एजुकेशन ऑप्शन नंबर सेकेंड स्काइस में करेक्ट ऑप्शन है नेक्स्ट देख लेते हैं वट इज द लेवल ऑफ क्लास रूम कॉम्युनिकेशन तो इंटरपर्सनल कॉम्युनिकेशन ऑप्शन नंबर वन स्काइस में करेक्ट ऑप्शन है नेक्स्ट देख लेते हैं विच ऑफ फॉलोइंग इज़ अ वे टू अट्रैक्ट स्टूडेंट्स अटेंशन यूज़ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑप्शन नंबर इसका इसमें करेक्ट ऑप्शन है नेक्स्ट देख लेते हैं विच इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव लर्निंग तो इसका इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर फोर लर्निंग ओनली फ्रॉम सिलेबस नेक्स्ट देख लेते वट डज क्रेडिट मीनस इन सी बी सी एस सिस्टम तो नंबर ऑफ टीचिंग आवर्स तो ऑप्शन नंबर जो है वन इसका इसमें करेक्ट ऑप्शन है नेक्स्ट देखते हैं जूट फेलिक्स इज अ फेमस इंडियन प्लेयर इन विच ऑफ द फील्ड तो इसका इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फोर हॉकी इसका इसमें करेक्ट ऑप्शन है एन इनक्रीज इन दंबर ऑर साइज ऑफ द डिकल्स इन एयर लीड्स टू वार्मिंग बिकॉज इसका हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर सेकेंड इट एबजॉर्ब ऑल काइंड ऑफ लाइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु फिट्स विथ दिस डिस्क्रिप्शन इंडियन कॉटन मर्चेंट बैंकर कांग्रेस मैन अ क्लोज एसोसिएट ऑफ महात्मा गांधी तो जमुनालाल बजाज ऑप्शन नंबर जो है फोर इसका इसमें करेक्ट ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं डॉक्टर अमिया चक्रवर्ती इज नोन फोर हेज बीइंग लिटरेरी सेक्रेटरी टू आर एन तो ऑप्शन नंबर जो है थ्री इसका इसमें करेक्ट ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आइडेंटिफाई द स्किल्स नॉट रिक्वायर्ड बाय प्रेजेंट डे टीचर्स टू मेक क्लास टीचिंग मोर एफिशियंट तो इसका हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है फियर एंड पनिशमेंट्स ऑप्शन नंबर जो है फोर इसका इसमें करेक्ट ऑप्शन है नेक्स्ट देखते हैं रैंडम सैम्पलिंग इज हेल्पफुल एज इट इज फ्री फ्रॉम पर्सनल पर्सनस तो ऑप्शन नंबर जो है सेकेंड इसका इसमें करेक्ट ऑप्शन है नेक्स्ट देख लेते हैं द रिसर्च डेटा ज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव तो ऑप्शन नंबर जो है फोर इसका इसमें करेक्ट ऑप्शन है नेक्स्ट देखते हैं द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च कैन बी एसेस्ड बाय ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क तो ऑप्शन नंबर जो है थ्री इसका इसमें करेक्ट ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विबलोग्राफी इज इंक्लूडेड इन द रिसर्च रिपोर्ट बिकॉज इट गिव्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दी वर्क तो ऑप्शन नंबर जो है सेकेंड इसका इसमें करेक्ट ऑप्शन है नेक्स्ट देख लेते हैं वट मेक्स द पीपल टू अंडरटेक रिसर्च ऑप्शन नंबर फोर ऑल ऑफ देक्ट ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं डी ओ आई ऑफ एन आर्टिकल इज डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर ऑप्शन नंबर जो है वन इसका इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन है नेक्स्ट देखते हैं इसका हमारा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर फोर डाटा बेस फॉर केमिकल लिटरेचर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एट वट टाइम ऑफ द डे इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी नॉर्मली एट अ मिनिमम तो व्हेन द एयर टेम्परेचर इज हाइएस्ट तो ऑप्शन नंबर जो है वन इसका इसमें करेक्ट ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द कंटेंट इज टू प्रिपेयर एंड अप्रोप्रिएट समरी ऑफ द कंटेंट तो ऑप्शन नंबर जो है थ्री इसका इसमें करेक्ट ऑप्शन है वट इज रिसर्च डिजाइन अ फ्रेमवर्क फॉर एवरी स्टेज ऑफ कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा ऑप्शन नंबर वन इसका इसमें करेक्ट ऑप्शन है यूजीसी स्टैंड फोर तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन है

तो टेस्टिंग प्रोसीजर विच इज ओपन टू पब्लिक इंस्पेक्शन ऑप्शन नंबर इसका इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन है अब फेमस बुक वी द पीपल तो इसका इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर जो है फोर इसका इसमें करेक्ट ऑप्शन है और ये लास्ट क्वेश्चन कॉपीराइट लॉ प्रोटेक्ट्स आइडिया प्रोसीजर्स एंड ऑप्शन नंबर जो है सेकंड इसका इसमें करेक्ट ऑप्शन से ठीक है तो ये हमने जो है पूरा पेपर डिस्कस कर लिया है आगे और पेपर डिस्कस करेंगे जल्द से जल्द थैंक यू